गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर ले जा रही अवैध शराब बरामद की है। वहीं बरामद शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है। गाजियाबाद से सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद के मसूरी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की शराब बरामद की है। सीमा, तस्करी करने वाले कौन लोग थे और कहां लेकर जा रहे थे इतनी भारी मात्रा में शराब? जी, ये एक बहुत ही बड़े तस्कर शराब तस्कर थे, जो कि हरियाणा के अंबाला से इस शराब को लेकर गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद के लिए जा रहे थे, जहां पर इन्हें इसकी डिलीवरी देनी थी। रास्ते में ही एलिवेटेड रोड के ऊपर इन्हें सीमा, गाजियाबाद पुलिस को क्या मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी शराब के बारे में? जी, जैसा कि सामने आया है कि पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ शराब है जो कि मुरादाबाद के लिए सप्लाई की जा रही है और गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद पहुंचना है, तो इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और अपनी घेराबंदी करते हुए वहां पर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे खुश होकर आईजी मेरठ ने गाजियाबाद पुलिस को इनाम भी दिया है। शुक्रिया सीमा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रुक करते हैं नागौर के मकराना का, जहां पर नगर परिषद के निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर एचआर संहिता का उल्लंघन का आरोप प्रत्याशी ने लगाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मकराना से जितेंद्र सेन का रुख करते हैं। जितेंद्र, एचआर संहिता का उल्लंघन का आरोप प्रत्याशी ने लगाया है, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये पूरा मामला इस तरह से है कि वार्ड नंबर 37 में प्रत्याशी नौशाद भाटी ने, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है अपने जो मतदाता पर्चियां हैं उनके पीछे कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है और कांग्रेस प्रत्याशी का जो नाम है वो डाल करके पर्चियां जो है मतदाताओं तक पहुंचाई है, और वही मतदाता पर्चियां लेकर के बूथ तक भी आ गए थे। तो उन्होंने इसकी रिटर्निंग अधिकारी दिनेश शर्मा को इसकी शिकायत करी, और उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी, जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी थे, उन्होंने वहां जाकर के इसकी जांच की। शुक्रिया जितेंद्र सेन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नागौर जिले के कुचामन रेलवे स्टेशन पिछले कई दशकों से सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में करीब एक दर्जन से अधिक गाड़ियों का ठहराव है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नागौर से दिनेश कड़वा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश कड़वा, कुचामन रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में कितनी गाड़ियों का ठहराव है और यहाँ से कितने यात्री रोज सफर करते हैं? कुचामन नागौर जिले का एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर यह जोधपुर जोन से जुड़ा हुआ है। कुचामन रेलवे स्टेशन पर करीब 14 गाड़ियों का वर्तमान में ठहरा हुआ है, साथ ही यहाँ से करीब 1000 से अधिक यात्री अलग अलग राज्यों में, विदेशों में सफ़र करते हैं। कुचामन शिक्षा नगरी का हब है। फिलहाल देखा जाए तो कुचामन शहर में 50,000 से अधिक बाहर के विद्यार्थी। दिनेश, आधारभूत सुविधाओं को लेकर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों की क्या कुछ रिपोर्ट है? जी सर, पिछले कई दशकों से देखा गया है कि कुचामन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी आधारभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना है जिसपे रेलवे अपनी तरफ से कोई विशेष सुविधा नहीं दे रहा यात्रियों को। यहाँ पर पानी की समस्या है, आने वाली गाड़ियों में जो यात्री सफर करते हैं उनको। शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।